नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और साथ में ही एनसीपी के हेड शरद पवार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने कुछ टाइम से कुछ न्यूज़ में सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनाई गई है तीन पार्टियों के द्वारा, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और साथ में शिवसेना, उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से ये भी बोल दिया गया था कि आने वाले टाइम पे वो जो है अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे, यानी कि अकेले लड़ेंगे, उसमें किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ था। लेकिन सडनली जो है अभी एक न्यूज़ सामने आ रही है जहाँ पर एक मीटिंग हुई है। बाय द वे, ये जो मीटिंग हुई है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी के शरण में एक तरीके से पहुंचे, जहां पर सोनिया गांधी ने इन सारे के सारे लोगों को बुलाकर एक मीटिंग की है। और जिसमें सोनिया गांधी के द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होगा, उसमें सारी की सारी पार्टियों को एक साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। बीजेपी के जो नेता हैं, जहां जहां पर इनकी गवर्नमेंट है वहां पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ में बहुत ही गलत कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हमें सबके सब लोगों को एक साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा जो है सोनिया गांधी के द्वारा वहां उस मीटिंग में बोला गया। बाय द वे, ये मीटिंग, तो यही अपडेट आ रही है अभी तक कि ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि इसमें जो है 2024 में आने वाले इलेक्शन को लेकर बात की गई है। लेकिन वहीं पर इसमें जो और सूत्रों से जो अपडेट आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जो कई बड़े नेता, यानी कि जो महाराष्ट्र के कई बड़े पॉलिटिशियन जो फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, मंत्री जो फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या इन तीन के तीनों पार्टियों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इन तीन के तीनों पार्टियों के बीच में कुछ ना कुछ डेली ही घमासान मचा हुआ था। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।